आचार्य अंकुर आ रहे हैं, अगर ये ऐसे कुछ आधा एक परसेंट है भी तो संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है ना उनको, कानूनी चुनौती दी जा सकती है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जानते हैं कि हर इलाके हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां कानून की चलती है, शायद वो इलाका है यहां पर फतवे चलते हैं, और ये एक नहीं होगा पता नहीं कितने होंगे, ये तो हमारे तक आ गई एक रिपोर्ट। आचार्य अंकुर आर्य जी। अमन भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो पूछा है कि संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, और उसका कारण है उम्मत। उम्मत को आपको समझना होगा कि आप धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके साथ में कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है, वो होता है उम्मत का, कि आप कहीं भी हो, आप मुसलमान हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी जो हदीस है, जो कुरान है और जो आपका शरिया है उसको हमेशा फॉलो करना है। तादाद में आप कम होंगे तो आप आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे आप राम राम जी भी करेंगे, तादाद बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे इनकी स्थितियां बदलती चली जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी, जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पर ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं, जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं वहां बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई जो भी होंगे, वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या, लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे, वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, तो उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे, इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन कहिए आप। नहीं नहीं जी, अमन जी मैं मुसलमान हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, और मुझे चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हमीद हो या तारिक फतेह हो या मैं हूं, हम डिबेट करने कुरान पे नहीं बैठे। अगर आप कुरान के खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। ये हमारी पार्टी मैं ये कहना चाहता हूं खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ नहीं है, ये पॉइंट है, इस पर आपको बात करनी चाहिए, मैं सबको बात करनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं बात है, नहीं नहीं ये इस तरह की नहीं, मैं एक बात जो कुरान में मैं मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी में काम करता हूँ, मुझे तो कहीं पर भी ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है, मुझे तो कुरान में मैंने ये पढ़ा लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, मैंने सभी के लिए बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि जो इस तरीके की आप तो जी, मैं सभी आपसे एक बात आपने यहाँ फतवे का विरोध किया है, आपने फतवे का विरोध किया खिलाफ, मैं बीजेपी में भी काम करता हूँ लेकिन मैं कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बोले इस तरह की बात के लिए डिबेट के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब मुझे हटाना है तो हटा दीजिए, शाहनवाज मैं जिम्मेदारी से ये फतवों के खिलाफ था, ये था मैं कुरान शरीफ के खिलाफ, आप भी फतवे के खिलाफ बोलना है या कुरान शरीफ पर डिबेट कर रहे हैं? आचार्य अंकुर आ रहा हूँ मैं आपके पास, शाहनवाज हुसैन साहब कुरान शरीफ ये फतवा गैंग के खिलाफ तो आप ही है ना, कर रहे हैं ये फतवा गैंग के खिलाफ तो आप भी है ना, तो मैं तो फतवा गैंग के खिलाफ रहा हूँ, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा है एग्जैक्टली, कुछ मुसलमान है आप ये समझिए, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भी और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कुरान के मानने वाले हैं, तारिक फतेह भी कुरान से अलग नहीं है, तो इनका ये मुर्शिदाबाद वालों का कौन सा बात है, मैं ये मुर्शिदाबाद वाले कौन से धर्म को मानते हैं, मैं फतवा दे, मैं कुरान का, मैं कुरान सुन लीजिए, ये फतवा वाले कौन सा धर्म मानते हैं सर, मैं ये मानता हूँ कि मेरा जी ये फतवा वाले मुर्शिदाबाद वाले जो फतवा जारी करते हैं ये भी तो इस्लाम का नाम लेकर ही फतवा जारी करते हैं, गलत इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस्लाम, वो जो फतवा वाले लोग हैं वो इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पे कलंक हैं ठीक, जो इस तरह का फतवा दे रहे हैं और जो बचाते हैं वो जो मौलवी हैं जो मौलाना हैं उनके खिलाफ ये मुल्क संविधान से चलेगा।